हेलो एवरीवन एंड एक्सट्रीमली सॉरी टू एवरीवन, यू गाइस वेर वेटिंग, सर कब आएंगे, सर आपके सामने आ गए हैं। और कुछ भी बोलने से पहले डायलॉग बाजी बाद में है ना, पहले तो आपसे ये बात कर लेते हैं कि भैया इतना दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे। एक्चुअली बताना चाहते इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कि वी वेर शिफ्टिंग, हम लोगों को शिफ्ट करना था अपना जो जहाँ पे आपका स्टूडियो था पहले, वो स्टूडियो से हम लोग शिफ्ट किए हैं नया स्टूडियो में। और आपको भी पता है नया सेशन जैक का जो है रिजल्ट आ चुका है 10th एंड 12th का, जिस वजह से क्या हुआ, नया एडमिशन्स आ रहा। आपको भी पता है कि ऑफलाइन बैचेस हमारे चलते हैं जामताड़ा में, सो वी वेर बिजी ऑन देयर। तो ऐसा क्या है कि किस चीज़ के लिए बिजी सर, क्लास तो आप रिकॉर्ड करके दे ही सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ऐसे ही कुछ भी चीज़ें नहीं हो जाती है। नए नए टीचर्स रिक्रूट करने पड़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को बैच सेट करना पड़ता है, टाइम सेट करना पड़ता है, वो सारी जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है, जिस वजह से हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। इसके लिए तहे दिल से सॉरी, लेकिन फिर से आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हो चुका हूं। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल आप लोगों का होने वाला है, तैयारी में बने रहिए, मेरे जैसा शिथिल मत पड़ जाइए कि मैं तो शिथिल था आपको लग रहा था, पर ऐसा बात नहीं है, मैं कहीं और बिजी था। तो अब जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है काम, अब एज इट इज़ जैसा चल रहा था क्लास लास्ट में उसी तरह से हम लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज आए हैं आप लोगों के सामने कुछ खुशखबरी लेकर के, कुछ अच्छा कंटेंट लेकर के। सो यू आर वॉचिंग ट्यूशन वाला भैया विद विवेक पॉल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, वो है आपका शॉर्टकट कीज। कंप्यूटर में आप लोग जनरली शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, और आए दिन देखा गया है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे भी कंप्यूटर आता है, शॉर्टकट कीज के बारे में जो क्वेश्चन होता है उसका वेटेज 2 या 3 जरूर रहता है। तो ये जो पोर्शन है जिससे कन्फर्म आप मार्क्स ला सकते हैं, उसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसके पहले भी हमने शॉर्टकट कीज का एक सेशन लिया था और बहुत ही बेहतरीन सेशन था, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं आप में से कोई, तो विजिट कर सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जाके देखिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आपके सामने खुशखबरी ये है कि आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्या बोल रहे हैं सर, आप तो हमेशा लिख के बताते हैं, समझाते हैं, आज आप लोग को कुछ नहीं लिखना है। भाई आप लोग इतना दिन इंतजार किए हैं तो इस इंतजार का फल तो मिलना चाहिए, बना बनाया चीज आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्या है, पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ के बीच में कुछ पासवर्ड दी जाएगी, डोंट वरी, क्लियर है। तो पहले पूरा क्लास कीजिएगा, लास्ट में मैं पासवर्ड बताऊंगा आपका पीडीएफ का, ठीक है। देखिए शॉर्टकट कीज में मैं जो आपके लिए कंटेंट बनाया हूं उसमें क्या क्या चीज रहेंगे, ठीक है। जितने भी फंक्शन कीज है, जितने भी फंक्शन कीज है उसके साथ जो शॉर्टकट्स बनता है वो सारे चीज आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शन कीज, मैंने आपको बोला था जब शॉर्टकट कीज पढ़ाया था कि स्पेशल एक क्लास मिलेगा शॉर्टकट कीज का, तो दिस इज द डे वेयर वी आर हेयर, ठीक है, विथ शॉर्टकट कीज, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो कीबोर्ड में और भी कई सारे चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप से रिलेटेड, माई कंप्यूटर, फाइल एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर एंड फाइल एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ों से कुछ बातें रिलेटेड हैं, तो वहाँ से भी आपको शॉर्टकट मिल जाएगी, आपको इस आपको पीडीएफ में दिखेगा सारा चीज़। ओपन एंड सेव डायलॉग बॉक्स, मतलब ओपन एंड सेव का कमांड यूज़ करके भी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, वो आप जब पीडीएफ खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं एक जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ, विंडोज 10 का बात कर रहे हैं, विंडोज 10, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, विंडोज 10 लिखें, WD10 कर दिए, ठीक है। अब विंडोज 10 में कुछ कीज है, जैसे कि मैं अगर बात करूं शिफ्ट का, शिफ्ट दबाए हुए हैं और लेफ्ट एरो दबा रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं ना, लेफ्ट एरो ये कर रहे हैं। मैंने आपको शिफ्ट दबा के लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ाया हुआ है, लेकिन एरो तो नहीं पढ़ाया, तो बोलिएगा सर ये आ गया था, ये पढ़ाए थे, तो
तो अब ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आज आपको पूरा ये जितना शॉर्टकट कीज आप लोगों को मिल जा रहा है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अगर शॉर्टकट से आता है क्वेश्चन, तो ये नोट्स आपका रामबाण है। ये नोट्स के बाद आप लोगों को कहीं और से कोई शॉर्टकट कीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिक्वेस्ट लेकिन एक ही है कि ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सारे चीज कॉपी में नोट करके याद करेंगे, और अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो ट्राई करेंगे, नहीं तो मिस हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। सो वीडियो को अंत करते करते मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है, उस पीडीएफ का पासवर्ड, वो पीडीएफ पासवर्ड से खुलेगा, और उस पीडीएफ का पासवर्ड आपको कैपिटल में लिखना है। कैपिटल में लिखिएगा बी, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा टी, उसके बाद लिखिएगा एस। क्या लिखिएगा? बी टी एस 1 2 3, याद रहेगा। क्या है पासवर्ड? बी टी एस 1 2 3। क्या है बी? मतलब हो गया आपका, इस तरह से याद रख सकते हैं, विवेक सर। टी से रख सकते हैं ट्यूशन वाला भैया। एस से रख सकते हैं संकल्प एजुकेशन। ये जो संकल्प एजुकेशन है, हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जो जामताड़ा में है, ठीक है। और जो आप लोग जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो ट्यूशन वाला भैया हमारा ऑनलाइन चैनल है, ठीक है। और विवेक सर जो आपके सामने खड़ा है वो, तो बी टी एस 1 2 3 इज द पासवर्ड, कैपिटल में लिखिएगा बी टी एस। सो आई होप अगर आप लोगों को ये सुन के, ये जान के और डाउनलोड करके अच्छा लगता है तो वो लाइक कीजिए, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।